पिछले वीडियो में हमने आपको 20 ऐसे वर्ड बताए थे जिसका उच्चारण जो है देखने में समान लगता है, लेकिन वर्ड अलग होता है और उसका अर्थ भी अलग होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 20 से आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा तो शायद इसी वीडियो में आपको बहुत सारा वर्ड देखने को मिल जाए जिससे आपकी इंग्लिश कुछ तो अच्छी ज़रूर होगी। 21 में है बेड, इसको पढ़ेंगे बेड, इसको पढ़ेंगे बेड, ये दो होगा क लिखा गया है बेड। ठीक है, तो जैसे कि ए है यहाँ पर, बेड मीन्स होता है बिस्तर या बिछौना और बेड मीन्स होता है बुरा या अच्छा नहीं जिसको बोलते हैं। जैसे कि स्प्रेड माय बेड इमीडिएटली, मेरा बिस्तर तुरंत लगा दो, ही इज़ ए बैड बॉय, इसका मतलब हुआ वह बुरा लगता है। तो देखिए आप क्या इसका अर्थ समझिए, अर्थ में देखिए कितना डिफरेंट है आपका। देखिए 23 है, इसको पढ़ेंगे केयरलेस और इसको पढ़ेंगे केयरलेस, केयरलेस तो दोनों में सुनने में बड़ा आसान लगता है। केयरलेस, केयरलेस मीन्स लापरवाह या बेपरवाही और केयरलेस मीन्स होता है कठोर निर्दय। जैसे कि हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने लापरवाह हो। ही केयरलेस बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, उसके कठोर व्यवहार से मुझे आश्चर्य हुआ है। इसको पढ़ेंगे कैजुअल और इसको पढ़ेंगे कॉजल। देखिए CASUAL, यहाँ पर है CAUSAL, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैजुअल मीन्स होता है आकस्मिक, अचानक या असावधान, लेकिन कॉजल मीन्स होता है कारण संबंधी। डोंट टेक इट कैजुअली, मतलब इसे वैसे ही मत लो। ठीक है, TAKE होगा यहाँ पर, TAKE। देखिए आई अंडरस्टैंड इट्स कैजुअल रिलेशन, मैं इसका कार्य कारण संबंध समझता हूँ। देखिए 25 में इसको पढ़ेंगे सेंसर और इसके पर इसको पढ़ेंगे सेंसर, यहाँ पर तालब्य स्व, यहाँ पर दंत स्व है, कितना डिफरेंट है। सेंसर मीन्स निंदा करना और सेंसर मीन्स होता है नियंत्रण करना या निरीक्षक। जैसे हिज एक्शन डिजर्व्स सेंसर, उसका कार्य निंदनीय है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द फिल्म सेंसर बोर्ड, वह फिल्म निरीक्षक मंडल का सदस्य है। चाइल्डिस मीन्स होता है बचकाना या मूर्खतापूर्ण, लेकिन चाइल्ड लाइक मीन्स होता है बाल सुलभ या मासूम। जैसे आई डोंट लाइक योर चाइल्डिश हैबिट्स, तुम्हारी बचकानी आदतें मुझे पसंद नहीं। हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसकी बाल सुलभ सरलता ने सबको प्रभावित किया। आगे देखिए क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। वेदर मीन्स होता है मौसम जो बदलता रहता है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली स्वीट्स मी, दिल्ली की जलवायु मेरे अनुकूल है। द वेदर इज अनसर्टेन, मौसम अनिश्चित है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये वर्ड जो है दिखने में समान लगता है, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। आते हैं 28 में, देखिए इसको पढ़ेंगे कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स होता है विरंत, टक्कर या दुर्घटना। जैसे टू पर्सन्स डाइड इन ए बस एंड स्कूटर कॉलिजन, बस और स्कूटर की टक्कर में दो व्यक्ति मारे गए। दूसरा है कॉल्यूजन। कॉल्यूजन और कॉलिजन में कितना फर्क है, कॉल्यूजन मीन्स साठगांठ या मिलीभगत। दियर कॉल्यूजन इज नो मोर ए सेक्रेट नाउ, उनकी साठगांठ अब कोई गुप्त नहीं रह गई है। अगला देखिए, इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रशंसा, अभिनंदन या आदर। जैसे गिव आवर कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को हमारी ओर से सम्मान देना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक या पूरा करने वाला। इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या एक पूरक कोण है। अगला देखिए 30 नंबर में, इसको पढ़ेंगे कमेंस। कमेंस मीन्स होता है प्रारंभ होना किसी कार्य का। जैसे कि द एनुअल एग्जामिनेशन कमेंस फ्रॉम टुमारो, वार्षिक परीक्षा कल से प्रारंभ है। द इंजन स्टार्टेड विथ ए किक, एक किक से ही इंजन क्या हो गया, चालू हो गया। स्टार्ट मीन्स स्थूल या शारीरिक हरकत का प्रारंभ होना, तो एक किक से ही इंजन स्टार्ट हो गया। तो हमको बस इस वीडियो में मात्र 10 ही जानना है, 10-10 करके हम जानेंगे पूरे। तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।